शिव निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे पालमपुर की कहानी, जिसमें हमने पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा। खेतों में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पालमपुर में किस तरह से जो गांव वो खेत है वो किस तरह से बटे हुए हैं, किस पर परिवार है। आज हम इसमें एक कहानी की तरह पढ़ेंगे कि ये जो एक सविता की कहानी है। सविता जो है एक लघु कृषक है, वह अपने हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की जरूरत है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसने पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत पड़ती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से क्या लेती है, कर्ज लेती है। तेजपाल सिंह कभी सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। जो प्याज की ऊंची दर होती है, सविता को यह वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन से काम करेगी। ठीक है, तो वो मजदूरी कम है। सविता जानती है कि उसे खेतों की कटाई पूरी करने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद तेजपाल खेतों के श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर पर भी कामों की जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्जा लेना ही पड़ता। तो यहाँ पर एक छोटे किसान और बड़े जमींदारों के बीच में जो डिफरेंस है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है भी छोटे किसानों के विरुद्ध मछोले यानी छोटे और किसानों के बीच से बचत होती है, इस तरह वे पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो छोटे किसान हैं वो हर तरह से कर्जे में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे खेती की आधुनिक विधियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को समतल पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या लेना पड़ता है, बहुत बार कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों ही क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, इस प्रकार अधिवेश कृषि की बिक्री में क्या है कि भाई उसमें पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से जो मान लीजिए गेहूँ की कटाई की जाती है तो उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान जो है गेहूँ का क्या करते हैं, परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं, बाकी क्या करते हैं, विशेष मंडियों में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास कम शेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका छोटा सा खेत है तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते ही हैं और गेहूँ से लदी बाजार बैलगाड़ी तक देख जाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पालमपुर में कृषि के साथ साथ अन्य क्या क्या कार्य होते हैं। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पालमपुर में गैर कृषि कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है डेयरी। पालमपुर में कि एक डेयरी कृषि होते हैं कि जब भैंसों की तरह घास और बरसात के मौसम में होने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं और दूध को निकालने के रायगंज में बेचा जाता है, तो वहाँ पर डेयरी का काम होता है। दूसरा लघु उद्योग है। वहाँ पर पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे शहरों में कस्बों बड़ी फैक्ट्री होने वाले विनिर्माण के, पालमपुर में सरल विधियों का प्रयोग होता है। जैसे छोटे पैमानों पर वहाँ पर श्रमिक की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो पालमपुर में दुकानें हैं जो कुछ लोग खेती के अलावा दुकान करते हैं वहाँ पर। जैसे जनरल स्टोर है, चावल गेहूँ चाय बिस्किट आदि का सामान बेचते हैं, पेंसिल है, इस तरह से कई छोटी छोटी क्या है पालमपुर के लोग क्या करते हैं, वहाँ से आजकल से सामान खरीद कर वहाँ बेचते हैं। तो ये वहाँ पर दुकान का काम होता है। दूसरा, परिवहन तेज़ी से विकसित हो रहा है। जो पालमपुर में रायगंज के भी जो सड़क है वहाँ पर रिक्शा चलाने और टांगे जीप ट्रक आदि के बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले वे लोग जो है परिवहन सेवाओं में शामिल हैं और वो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक दूसरे गांव के समीप आते हैं और उसका व्यापार जो है बढ़ता है। ठीक है, अंत में जैसे पढ़ेंगे कि इस गांव के इस लेसन में कि इसका सारांश क्या निकला, भाई यह है कि गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया पिछले वर्षों में खेतों की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। उनकी वजह से किसान जो है उतनी भूमि से अधिक पैदा करने लगे हैं। ठीक है, खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से बचत से क्या करते हैं, अगले मौसम के लिए क्या करते हैं, पूंजी की व्यवस्था करते हैं। दूसरे और छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या कितनी रह गई है, 80% रह गई है। उसके बाद आता है इस समय गांव में गैर कृषि कार्य बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों में से केवल 24 ही जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए, जबकि अनेक प्रकार के गैर क्रिया कार्य होते हैं। तो इस तरह से हमने इस लेसन में पालमपुर के गांव के और उनके किसानों की और उसमें जो गैर क्रियाएँ होती है उनके बारे में पढ़ा। आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। आपको ये सब सेंड कर दिए जाएंगे। सभी बच्चे पहले इस लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद जो मैंने बताए थे कि शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लिखेंगे और उसके बाद ये अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में अगला लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।